અને રાજ્યમાંથી ગુજરાત આવતા પ્રવાસીઓ માટે આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ ફરજિયાત કરી દેવાયો છે। રિપોર્ટ નેગેટિવ હશે તો જ રાજ્યમાં પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે। અરવલ્લી વાપી દાહોદ સહિતની બોર્ડર પર આરોગ્ય વિભાગ સઘન ચેકિંગ કરી રહ્યું છે। गुजरात में प्रवेश माटे आरटीपीसीआर फरजियात। कोरोना टेस्ट नेगेटिव हशे तो ज मळशे एंट्री। आज थी अन्य राज्यों में गुजरात आवता प्रवासियों माटे आरटीपीसीआर टेस्ट फरजियात करायो छे। रिपोर्ट नेगेटिव हशे तो ज राज्य में प्रवेश मळशे। गुजरात ने अन्य राज्यों साथे जोड़ती बॉर्डर पर मोटा पाये टेस्टिंग हाथ धरायू छे। उत्तर गुजरात में अरवली अने बनासकांठा साथे जोड़ायेली राजस्थान बॉर्डर, दक्षिण गुजरात में वलसाड़ तापी जिल्ला साथे जोड़ायेली महाराष्ट्र की बॉर्डर, तेमज मध्य गुजरात में दाहोद जिल्ला साथे जोड़ायेली मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट बाद ज प्रवेश आपवामां आवी रह्यो छे। बनासकांठा में राजस्थान सरहदे चेकिंग करवामां आवी रह्यु छे। छापरी बॉर्डर पर आरोग्य विभाग अने पोलीस वाहन चालकों ना रिपोर्ट नेगेटिव होय तो ज प्रवेश आपी रह्या छे, जेना कारणे वाहनों नी कतारो जोवा मळी छे। रिपोर्ट वगर ज आवी रहेला वाहनों ने पोलीस रोकी रही छे अने परत मोकली रही छे। आंतरराज्य सरहद पर चेकिंग नो नियम होवा छता अरवली बॉर्डर पर नियमों नेवे मुकाया हता। जो कि न्यूज 18 गुजराती ना रिपोर्ट बाद तंत्र हरकत में आव्यु अने शामळाजी बॉर्डर पर चेक पॉइंट उभो करायो अने 72 कलाक पहला ना आरटीपीसीआर रिपोर्ट नी तपास करवामां आवी रही छे। अरवली 8 बॉर्डर पर कड़काई थी तपासनो अमल करावामां आवी रह्यो छे। वलसाड में पण सरहद पर चेकिंग शुरू करायु छे। आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होय तो ज गुजरात में प्रवेश अपाई रह्यो छे। महाराष्ट्र गुजरात नी हद पर भिलाड़ चेकपोस्ट पर आरोग्य विभाग अने पोलीस नी टीमों तैनात कराई छे, तो तापी जिल्ला नी बॉर्डर पर पण पोलीस अने आरोग्य नी टीम वाहनों नुं कड़क चेकिंग करी रही छे। महाराष्ट्र माथी परत फरता गुजरातीओनो रेपिड एंटीजन टेस्ट पण आरोग्य नी टीम करी रही छे। तेमज महाराष्ट्र थी आरटीपीसीआर रिपोर्ट विना आवता वाहनों ने गुजरात नी बॉर्डर पर थी परत मोकलाई रह्या छे। आ तरफ दाहोद में सरकार ना आदेश नुं उल्लंघन थतुं जोवा मळ्युं। दाहोद नी सरहद पर मध्यप्रदेश थी आवता प्रवासीओनुं मात्र स्क्रीनिंग ज थतुं जोवा मळ्युं। चेकपोस्ट पर प्रवासीओना रिपोर्ट नथी जोवामां आवता। तो अमदावाद में पण रेलवे स्टेशन पर प्रवासीओना आरटीपीसीआर रिपोर्ट नी तपास शुरू कराई छे। पहला मनपा अने रेलवे विभाग वच्चे संकलनना अभावे तपास नहोती थती, परंतु न्यूज 18 ना रिपोर्ट नी धारदार असर जोवा मळी। अमदावाद रेलवे तंत्र सफाड़ू जाग्यू अने रेलवे स्टेशन पर रिपोर्ट नी तपास शुरू करवामां आवी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 गुजराती। सोशल मीडिया पर अजाण्या लोकोनी रिक्वेस्ट स्वीकारता पहला चेतजो। अमदावाद में चेतवनी रूप किस्सो सामे आव्यो छे। इंस्टाग्राम पर अजाण्या युवक ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवी युवती ने भारी पड़ी। युवती ने तेनी बहनना फोटो मॉफ करी युवके शारीरिक मांग करी। आ साथे जीवती ना कहे तो फोटो वायरल करवानी पण धमकी आपी। आंगे फरियाद नोंधाता साइबर क्राइमे आरोपी युवक ने पकड़ी लीधो छे। मूळ बहुचराजीनो युवक खोटा आईडी बनावी युवतीओने परेशान करतो हतो, जो कि पोलीसे तेने झड़पी लीधो छे। नॉर्मल जे रिक्वेस्ट होय छे ए प्रमाणे एने एक पहला रिक्वेस्ट में फेक आईडी थी अमने महिला जोड़े बात करी हती, पण आ महिला ने थोड़ो डाउट गयो के आ कोई पुरुष छे अने आरोपीए एक महिलानी ज आईडी बनाई थी, जेथी एने डाउट जता एने आईडी ने ब्लॉक करी दीधी। एटले आरोपीए जुदी जुदी पछी फेक आईडी बनाईने अने आमने आ रीतना विभिन्न मैसेज तेमज धमकीओ આપવાનો ગુનો કર્યો હતો, જે બાબતે અમે લોકોએ આમને ધરપકડ કરી છે અને આગળની કાર્યવાહી કરી છે।